नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि हमारी हिंदी ग्रामर की क्लासेस जो है वो शुरू है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो होगी समास के, समास से संबंधित है। समास के वैसे तो 6 भेद होते हैं, लेकिन आज हम इस क्लास में सिर्फ 3 भेद जो है अच्छे से विद उदाहरण एग्जाम्पल सारा हम ये समास का कम्प्लीट करेंगे आज, ठीक है। तो समास शब्द जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हम टॉपिक करते हैं उसमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसका अर्थ क्या होता है। तो जैसे हमारा समास है, तो समास का जो एक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा संक्षिप्त, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, तो संक्षिप्त का क्या अर्थ होता है, तो ये मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में समझाती हूँ कि जो संक्षिप्त का अर्थ होता है कि बड़ी से बड़ी वाक्य को या बड़े से बड़ी शब्द किसी अर्थ को जो है वो आपने बिल्कुल छोटे से एक शब्द में सामने रखना, उसी को ही हम संक्षिप्त कहते हैं, ठीक है। जैसे हम हिंदी में वो भी करते हैं कि एक वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग, ठीक है। तो ये समास वही चीज होती है, जब हम किसी एक वाक्य का अर्थ सिर्फ एक शब्द में सामने वाले को समझा देते हैं, बता देते हैं, तो उसी एक शब्द को हम समस्त पद कहते हैं, ठीक है। समस्त पद होता है और क्या होता है, समास विग्रह होता है। समस्त पद किसे कहते हैं, तो समस्त पद वो होता है जो हमारा एक शब्द होता है, ठीक है। और समास जो विग्रह होता है उसमें क्या होता है, हमारा कि जो समस्त पद है उसको तोड़ दिया जाता है, उसका विच्छेद कर दिया जाता है। जब समास समस्त पद का विग्रह करते हैं हम, तो दो सार्थक शब्द जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, उसी को ही हम समास विग्रह कहते हैं, ठीक है। तो अब समास के भेदों की बात करें, समास का अर्थ क्लियर हो गया। तो समास के जो हमारे भेद होते हैं, टोटल जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं हमारे, अव्ययभाव समास होता है पहला, ठीक है। सेकंड है हमारा तत्पुरुष, थर्ड आ जाएगा हमारा कर्मधारय, ठीक है। फोर्थ पे आगे बहुव्रीहि है, द्विगु है, द्वंद्व है, ये सारे समास है हमारे। टोटल है हमारे 6 भेद। आज हम इस वीडियो में 3 भेदों की चर्चा करेंगे, पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और साथ साथ हम उदाहरण भी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट करेंगे हम सबसे पहले अव्ययभाव समास। कौन सा आ गया हमारा पहला, अव्ययभाव समास। अब कोई भी शब्द है या कोई भी प्रश्न है जिसको हम करते हैं, तो उससे पहले हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि वो उस शब्द का मीनिंग क्या रहता है हमारे पास। तो ये जो शब्द है हमारा अव्यय भाव, तो अव्यय और भाव, इसको अगर हम थोड़ा हल्के से विच्छेद करें अव्यय भाव का, तो अव्यय जमा भाव, तो इसका क्या अर्थ निकलता है अव्यय। अब कई बार मैंने जब हमने क्लासेस लिए तो मैंने आपको समझाया है कि अव्यय जो शब्द होता है वो क्या होता है, एक विकारी शब्द होते हैं और एक अविकारी शब्द होते हैं हमारे, ठीक है। जो पद के भेद होते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द, तो जो अविकारी शब्द होते हैं वो ही हमारे क्या कहलाते हैं, अव्यय भी कहलाते हैं। तो अव्यय क्या हुए हमारे, अव्यय हुए ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक या फिर काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। लास्ट की वीडियोस में अगर आप साथ में कंटिन्यू होंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि अव्यय जो होते हैं शब्द वो कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे अब इसमें से जो भी आएंगे हमारे समस्त पद में आपको समझाने की साथ साथ में कोशिश करूंगी अव्यय शब्द भी, ठीक है, क्योंकि पिछले क्लासेस में हमारा पूरा क्लियर हो चुका है कि अव्यय शब्द जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। और ये जो हमारा समस्त पद है इसमें प्रश्न जो है, अब जैसे यहाँ पे नॉर्मल लिखते हैं, जैसे समस्त पद लिखा है यथा मति, इसका विग्रह है मति के अनुसार, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रश्न जो है वो अब प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं आते हैं। जब अब जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है तो अधिकतर देखने में मिला है कि पदों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, कि ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है, अंतिम पद जो है वो विशेषण होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए मैंने साथ साथ में ये पॉइंट भी लिखे हैं कि आपने ये जरूर लर्न करने हैं, क्योंकि अधिकतर जो प्रतियोगी परीक्षा हो रही है ना उनमें ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अव्यय भाव जो है इसका जो पहला पद, अब पहला पद और दूसरा पद ये क्या होता है ये समझ लो आप। पहले देखो, जैसे पहले ये प्रश्न है ना, हाँ ये है हमारा समस्त पद यथा मति, ठीक है, ये आ गया हमारा यथा मति। अब देखो पहला पद इसका क्या है हमारा,
और दूसरा क्या है, ये हमारा पहला पद आ गया, ये दूसरा आ गया हमारा पद। ठीक है, जो भी शब्द है एक मैं आपको ट्रिक बताऊं, जब भी समस्त पद होता है ना और आपको पहला पद दूसरे पद का पता नहीं चले, तो आपने जो समस्त पद है उसको इस तरह से बीच से अलग कर देना है कि दोनों शब्दों का क्या है, बीच में दोनों शब्दों का अर्थ जो है वो सार्थक रहे, मतलब जो सार्थक निकले। ठीक है, सार्थक शब्द बिल्कुल आए। ठीक है, यथा और मति। अब हमने इन दोनों को डिवाइड किया, यथा को अलग किया, मति को अलग किया, तो जो पहले है इसको बोलेंगे हम पहला पद और मति है इसको बोलेंगे हम दूसरा पद। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। तो अब अव्यय भाव में जो पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है, अव्यय भाव में पूछा जाता है कि पहला पद जो है इसका प्रधान होता है या फिर अव्यय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पर कि पहला पद जो है वो आपका प्रधान होगा और अव्यय होगा। ठीक है, दूसरा पद, दूसरा पद मतलब आपका जो अंतिम वाला शब्द है वो उसमें क्या होगा, या तो संज्ञा होगी या तो विशेषण होगा उसमें। ठीक है, इतना क्लियर है, पहला पद प्रधान या अव्यय। अव्यय का मतलब क्या है, ये हमने समझ लिया कि जिन शब्दों पर लिंग वचन कार्य कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़े उन्हें कोई हम अव्यय शब्द कहते हैं। अब देखो अधिकतर क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे ना यहाँ पे ट्रिक, अब ट्रिक देखो, ये तो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, और आपने ट्रिक के अनुसार कैसे पहचानना है कि ये अव्यय भाव समास ही है। ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, इसमें हमेशा उपसर्ग और क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, जो हमारा अव्यय भाव समास है ये हमेशा हम, मतलब जैसे हमारे 100 समास दिए होंगे तो उसमें से आपके 98 जो है वो सारे उपसर्ग से ही शुरू होते हैं। अब उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्दों के पहले लगकर उनका अर्थ जो है वो बिल्कुल बदल देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक है। और उपसर्ग भी आपको नहीं याद रहे तो आपने याद रखना है क्रिया विशेषण, क्या होता है, क्रिया की जो विशेषता बताता है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, की क्रिया हो रही है तो कैसे हो रही है वो। ठीक है, जल्दी जल्दी हो रही है, धीरे हो रही है, किस तरह से हो रही है क्रिया। आगे देखो, अब हम एग्जाम्पल करेंगे आपको पूरा इधर क्लियर होगा। फर्स्ट है हमारा यथा मति, तो इस ये है हमारा समस्त पद, वो इसको बोलते हैं हम समस्त पद, और जब ये विग्रह हो जाता है तो ये होता है हमारा मति के अनुसार। ठीक है, समस्त पद और समास विग्रह हो गया हमारा मति के अनुसार। अब देखो, अब ट्रिक आपने कैसे याद रखना है, यहाँ पर ट्रिक मैंने बता दी, उसको कैसे आपने समझना है, कैसे अप्लाई करना है ये भी समझो। अब देखो ये आ गया हमारा यथा, पहला पद क्या बोला है, पहला पद जो है वो अव्यय है आपका। ठीक है, पहला पद अव्यय, अव्यय मतलब जिस पर लिंग वचन कार्य कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, उसको बोलते हैं हम अव्यय। अब यथा मति का जो पहला पद है वो यथा है। ठीक है, यथा जो है, देखो यथा जो है इसके ऊपर चाहे ये हम लड़के के लिए यूज करें, लड़की के लिए यूज करें, ठीक है, एकवचन में करें, बहुवचन में करें, तो हमेशा जो यथा होता है ना यथा ही रहता है, इसका यथी, यथो, यथे ये नहीं होता। ठीक है, तो यही अव्यय शब्द होते हैं जो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, बदलते नहीं है। तो यथा मति, तो यही से ही आपको ट्रिक आना चाहिए कि यथा जो है वो एक अव्यय शब्द है, अविकारी शब्द है। तो ये जो हमारा समास है वो कौन सा समास आ गया हमारा, ये अव्यय भाव समास आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। चलो नंबर टू देखेंगे, प्रतिदिन, और यथा जो है ये भी अव्यय भाव समास है। और नेक्स्ट जो है हमारा प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में देखेंगे प्रतिदिन। अब दूसरा ट्रिक देखो, दूसरा ट्रिक क्या बताया मैंने, उपसर्ग से शुरू होते हैं ये, तो प्रति जो है वो हिंदी का बहुत यूज होने वाला एक उपसर्ग है आपका। ठीक है, जैसे प्रतिदिन ये हो गया आपका, तो इसका आपका समास विग्रह क्या आ जाएगा, प्रत्येक दिन। ठीक है, तो प्रति क्या आ गया आपका, प्रति आ गया हमारा इसका प्रत्येक दिन, समास विग्रह आ गया, प्रति हमारा उपसर्ग आ गया। ठीक है, प्रत्येक दिन, तो मतलब हमारा जो है पहला पद उपसर्ग भी है और क्या है, अव्यय भी है हमारा। ठीक है, दोनों आ गए यहाँ पे भी, यथा भी उपसर्ग, प्रति भी उपसर्ग और अव्यय दोनों शब्द है ये, प्रत्येक दिन आ गया हमारा। तो हमारा मतलब अगर प्रतिदिन आपसे ऐसे पूछा जाए एग्जाम में, किस तरह से प्रश्न आते हैं कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो प्रतिदिन में कौन सा समास है, अव्यय भाव समास है। क्यों है, क्योंकि दिन के आगे उपसर्ग लगा है, और उपसर्ग जब लग जाता है तो वो कौन सा समास आ जाता है हमारा, अव्यय भाव समास। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नीडर, क्या है हमारा नेक्स्ट, नीडर
उसके बाद इसका विग्रह क्या आ गया हमारा, बिना डर के। अब डर के आगे क्या लगा आपका, देखो डर और निडर, तो जो ये नी है ये क्या है हमारा, ये उपसर्ग है हमारा नी, तो इसमें भी उपसर्ग आ गया आपका शब्द के आगे। ठीक है, मैंने कहा आपको कि जो अव्यय भाव समास है इसमें जो है आपको उपसर्ग से ही संबंधित शब्द मिलेंगे अधिकतर। ठीक है, तो निडर आ गया हमारा बिना डर के, तो यहां भी पूछा जाएगा अगर आपसे कि कौन सा समास है तो कौन सा आ जाएगा, अव्यय भाव समास। नेक्स्ट देखो, भर पेट, पेट भरकर, तो भर पेट, तो पेट के आगे हमने कौन सा उपसर्ग लगाया, भर, तो भर पेट, जब भर पेट आ गया हमारा तो क्या बन गया ये पेट भरकर, तो हमारा ये कौन सा समास आ गया भर पेट में, अव्यय भाव समास। नेक्स्ट है हमारा आमरण, आमरण, अब देखो मरण के आगे कौन सा उपसर्ग आया आपका, आ, तो इसका विग्रह क्या आ गया मरण तक, तो मतलब हमारा आमरण में कौन सा समास आ गया फिर से, अव्यय भाव समास। लास्ट में हमारा उदाहरण प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, प्रतिवर्ष जो है प्रत्येक वर्ष, तो इसमें भी आपका क्या आ गया वर्ष के आगे प्रति आ गया, प्रति है हमारा उपसर्ग, तो मतलब हमारा कौन सा ये समास आ गया, अव्यय भाव समास आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया इतना आपको। अब इसमें जो आपने ध्यान रखनी है तो वो कौन सी बात ध्यान रखनी है कि आपको समस्त पद और समास विग्रह दोनों जो है वो आने चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में होता है कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विग्रह उचित है। ठीक है, मतलब ठीक है कौन सा विग्रह ठीक है, तो दे आपको भर पेट दे देंगे तो आगे ऑप्शंस भी दे देते हैं तो पेट भर के है या क्या आ जाएगा इसका। ठीक है, पेट के लिए पेट भरकर, तो आपको विग्रह भी करना आना चाहिए। ठीक है, एक तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और दूसरा प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि यथामति, तो इस शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया प्रतियोगी परीक्षा में पूछने का। तीसरा तरीका क्या है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा या विशेषण होता है। ठीक है, जो आजकल जो है एक तरह से चलन में है, ट्रेंड में है आजकल, तो ये बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपने ये जरूर लर्न करने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम एक भेद हो गया हमारा समास का, कौन सा, अव्यय भाव समास। ठीक है, विद ट्रिक विद एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिया। सेकेंड है हमारा तत्पुरुष। अब तत्पुरुष जो है इसका क्या है, इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका अंतिम पद जो है वो प्रधान होता है। ठीक है, तो इसमें आज तत्पुरुष में आपका अंतिम पद प्रधान आ जाता है। ठीक है, पहला पद प्रधान किसमें आता है, अव्यय भाव समास में, और अंतिम पद किसमें प्रधान आता है, तत्पुरुष में। अब इसको ट्रिक के अनुसार समझो कि ये कैसे आपने याद रखना है। तत्पुरुष में आपने ट्रिक याद रखना है कि कारक विभक्ति का लोप। ठीक है, कारक हिंदी में हमने सभी ने पढ़े हैं ना, कर्ता ने पढ़ा है, ऐसे कैसे होते कारक की विभक्ति। विभक्ति का क्या मतलब है, इनको परसर्ग भी बोलते हैं जो कर्ता के साथ लगते हैं। ठीक है, इन कारक चिन्हों के साथ लगते हैं, कौन कौन से, देखो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में, पर संबंध का के किरारे री। ठीक है, ये है, लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर कर्ता और संबोधन जो पहला और लास्ट वाला जो हमारा कारक होता है वो इसमें यूज नहीं होता। ठीक है, जो बीच के हमारे छह कारक है वो ही यूज होते हैं हमारे। ठीक है, करण कर्ता ने और कर्म से लेके हमारे लास्ट तक जो आएंगे वो संबोधन को छोड़कर संबंध तक सारे आ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो अब इसमें आप देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, कारक विभक्ति लोप, मतलब विभक्ति क्या आ गई हमारी, कर्ता ने, तो ये जो ने है ये विभक्ति है। ठीक है, कर्म को, जो को है वो विभक्ति है। इसमें क्या होता है, जब आपका समस्त पद दिया होता है ना तो इन विभक्तियों का लोप होता है। लोप का मतलब होता है कि ये हिडन हो जाती है, बिल्कुल गायब हो जाती है, गुम हो जाती है, ये आपको उसमें नहीं दिखेगी, ये आपको सिर्फ समास विग्रह में दिखेगी। ठीक है, समस्त जो पद होगा उसमें आपको ये नहीं दिखेगी, बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, जब आप विग्रह करोगे तभी आपको ये दिखेगी। अब कैसे, देखो समझो इधर, सभी विभक्ति में से मैंने एक एक एग्जांपल लिए, इससे आपको सारा समझ आ जाएगा। फर्स्ट देखो, कर्म के अनुसार देखिए, अगर हम स्वर्ग प्राप्त, अब यहां पर कौन सी विभक्ति का लोप है, कर्म को विभक्ति का लोप है ना, यहाँ पे आपको को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कर्म की विभक्ति जो को है उसका लोप किया गया है, तो जिस विभक्ति का लोप होगा वो वही समास होगा, तो इसके अनुसार ये कौन सा समास होगा, कर्म तत्पुरुष।
ठीक है, जिस विभक्ति का लोप होगा वो वही समास होगा। अब यहाँ पर कर्म को, कर्म की विभक्ति का लोप है तो यहाँ पर समास आता है हमारा कर्म तत्पुरुष। नेक्स्ट है हमारा पाप युक्त, पाप से युक्त, से विभक्ति का लोप हुआ हमारा, तो से जो है वो किसकी विभक्ति है, करण की विभक्ति है, तो इसका मतलब हमारा ये कौन सा समास हुआ, करण तत्पुरुष। नेक्स्ट है हमारा युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, तो युद्ध के लिए, तो के लिए अब हमारा ये कहां से आ गया, संप्रदान से, तो कहां ये समास जो है ये कौन सा हो गया हमारा, संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट देखो रोग मुक्त, रोग से मुक्त, अब यहां पर है रोग मुक्त, रोग से मुक्त, तो यहां पर क्या से जो है वो किस स्थिति में आया हमारा, यहां पर अपादान की स्थिति में आ रहा है हमारा, ठीक है, तो अपादान से का मतलब क्या होता है, से जुदाई, किससे जुदाई हो रही है उसकी, किससे, अलगाव हो रहा है रोग से, तो रोग से मुक्त, से जो है हमारी अपादान की विभक्ति है, इसीलिए रोग मुक्त समस्त पद जो है वो हमारा कौन सा है, अपादान तत्पुरुष समास है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, ठीक है, अधिकरण में पर, तो यहां पर क्या आ गया हमारा, अधिकरण, क्योंकि यहां पर जो है मे विभक्ति का लोप है, तो कुल श्रेष्ठ जो समस्त पद है उसमें हमारा अधिकरण तत्पुरुष जो है वो समास आता है। क्लियर है। लास्ट देखेंगे देव मूर्ति, संबंध कारक, ठीक है, का के की रा रे री कारक के कौन से चिन्ह होते हैं, संबंध कारक होते हैं, ये हमारे इसमें आ गया हमारा देव मूर्ति, देव की मूर्ति, ठीक है, हो गया इतना आपको। क्लियर, तत्पुरुष जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें आपने सिर्फ एक ही ट्रिक याद रखना है कि जो हमारे हिंदी के कारक है वो सारे के सारे आपने यहाँ पर यूज करने हैं, हिंदी का पहला और लास्ट कारक को छोड़कर बीच के जो छह कारक है वो सारे के सारे यहाँ पर आते हैं, उनकी विभक्तियों का लोप होता है, जिस विभक्ति का लोप होगा वही कारक जो है वो हमारा समास के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट देखते हैं हम कर्म धारक, ठीक है, नंबर थर्ड क्या आ गया हमारा, कर्म धारय, इसमें देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखेंगे, इसमें जो है हमारा पहला पद जो है वो विशेषण, अंतिम पद विशेष्य होता है, ठीक है, यही हमारा ट्रिक भी हमारा यही है, जिसमें विशेषण और विशेष्य। अब देखो जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें कई बार इससे संबंधित ऐसे प्रश्न भी पूछा गया कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है, तो विशेषण और विशेष्य की बात हमेशा कर्मधारय समास में ही की जाती है, ठीक है। अब कर्मधारय समास में जो विशेषण और विशेष्य आपको पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो विशेषण देखो क्या, किसे कहते हैं, जो विशेषता बताता है, ठीक है। अब किसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेषता जिसकी बताई जाती है उसको क्या कहते हैं हम, विशेष्य, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। विशेषण, विशेषता, विशेष्य, किसकी विशेषता बताई जा रही है उसको हम विशेष्य कहते हैं, इतना पता होगा तो आपको समास पहचानने में जरा भी मुश्किल नहीं होगी। अब देखिए महात्मा, फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे महात्मा, महान है जो आत्मा, अब देखो यहाँ पे समझेंगे, बोला है कि पहला पद विशेषण, अंतिम विशेष्य, कैसे, ये देखो यहाँ पर महान है जो आत्मा, अब देखो महान और आत्मा, अब आत्मा को महान बोला गया है, ठीक है, अब किसकी बात की गई है यहाँ पर, आत्मा की बात की गई है और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि महान, कि कोई आत्मा है जो बहुत महान है, तो आत्मा की जब विशेषता बताई जा रही है तो आत्मा क्या जाएगा हमारा यहाँ पर, विशेष्य, क्या जाएगा, विशेष्य, और महान, महान क्या है, आत्मा की विशेषता बताने वाला शब्द, तो वो क्या जाएगा हमारा, विशेषण, ठीक है। आगे बात समझ, महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा की बात की जा रही है इसीलिए ये विशेष्य है, और क्या बात की जा रही है कि ये महान है, तो महान शब्द आ जाएगा हमारा विशेषण। सेकंड देखेंगे काली मिर्ची, ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, काली मिर्च, तो इसमें देखेंगे क्या जाएगा आपका, काली मिर्च में आ जाएगा, काली है जो मिर्च, अब इसमें विशेषण और विशेष्य क्या आएगा आपका,
ठीक है, किसकी बात की जा रही है वो विशेष्य आता है हमारा, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, काली की बात की जा रही है? नहीं, यहाँ पर काली की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर किसकी, मिर्च की बात की जा रही है। तो मिर्च जो है वो आपका विशेष्य आ जाएगा और काली क्या आ जाएगा, विशेषण। ठीक है, क्योंकि मिर्च की जो विशेषता है वो काली है और काली शब्द जो है वो एक विशेषण है। महाराजा, नेक्स्ट क्या है हमारा, महाराजा। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पर, महान है जो राजा, किसकी बात हो रही है, राजा की, तो वो विशेष्य। और क्या बात हो रही है कि एक राजा है वो बहुत महान है, तो महान क्या आ गया हमारा, विशेष्य। नेक्स्ट देखेंगे दुष्चरित्र, दुष्चरित्र बुरा है जो चरित्र, दुष्चरित्र का क्या गया हमारा, बुरा है जो चरित्र। अब चरित्र की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, चरित्र की बात की जा रही है, तो वो क्या आ गया हमारा, विशेष्य। चरित्र कैसा है आपका, तो क्या बोला यहाँ पर, बुरा है जो चरित्र, तो बुरा, बुरा आ गया हमारा यहाँ पर विशेषण। तो पहला पद विशेषण, दूसरा पद क्या आ गया हमारा, विशेष्य। तो ये भी हमारा अगर पूछा जाए कि दुष्चरित्र शब्द में कौन सा समास है, तो क्या आ जाएगा आपका, सीधा आंसर कर्मधारय समास। क्यों, क्योंकि कर्मधारय समास ऐसा समास है जिसका पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है, इसीलिए दुष्चरित्र जो है हमारा कर्मधारय समास के अंदर आता है। आगे समझ, लास्ट देखेंगे सद धर्म, ठीक है, क्या है लास्ट, सद धर्म, सच्चा है जो धर्म। अब धर्म की बात हो रही है, विशेष्य, क्या बात की जा रही है धर्म की, अच्छा है बुरा है, सच्चा है झूठा है, ठीक है, सच्चा, तो बात की जा रही है कि सच्चा है जो धर्म, सद्धर्म, तो सच्चा हमारा विशेषण आ गई धर्म की और धर्म आगे हमारा विशेष्य। इसी के आधार पर सद्धर्म जो है वो क्या बन गया हमारा, कर्मधारय समास बन गया हमारा। ठीक है, अब देखो अव्ययीभाव समास, ठीक है, तत्पुरुष कर्मधारय, एक मैं ऐसे आपको सरल भाषा में एक बार बताती हूँ उनको। अव्ययीभाव क्या होता है हमारा, ये आपने ध्यान रखना, जिसका पहला पद जो होता है वो उपसर्ग से शुरू होता है, ठीक है, सिर्फ इतनी बात याद रखो आप, ठीक है, उपसर्ग से शुरू होगा तो सीधा आपने अव्ययीभाव से टिक कर देना है उसको। सेकंड देखेंगे तत्पुरुष, तत्पुरुष क्या होता है, जो हिंदी के कारक की विभक्ति है हमारी, फर्स्ट और लास्ट कारक को छोड़कर जो बीच के छह कारक होते हैं, जब उनकी विभक्तियों का लोप होता है तो वो सारे के सारे हमारे क्या जाते हैं, तत्पुरुष समास। क्लियर हो गया। लास्ट में है हमारा कर्मधारय, इसमें क्या याद रखना, इसमें विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है, ठीक है, विशेषण क्या है, विशेषण क्या है, जब हम किसी की विशेषता बताते हैं, विशेष्य क्या है, किसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, आगे समझ, तीनों हमारे अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, तीनों क्लियर हो गए। अब आपने तीनों अगर आपको क्लियर हो गए तो आपने बताना भी है अब कि किस तरह से क्लियर हो गए ये तीनों, तो आपने कमेंट बॉक्स में जाकर, तीन मैंने यहाँ पर आपको एक तरह से होमवर्क दिया, ये आपने मुझे बताना है कि ये कौन कौन से समास है। सिर्फ मैं विग्रह नहीं पूछ रही हूँ, सिर्फ पूछ रही हूँ कि फर्स्ट है हमारा अकाल मृत्यु, फर्स्ट है अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। सेकंड है कष्ट साध्य, तो कष्ट साध्य जो है इसमें कौन सा समास है। थर्ड है हमारा प्रत्यक्ष, ठीक है, थर्ड है हमारा प्रत्यक्ष, की प्रत्यक्ष में कौन सा समास है, ठीक है, ये तीन है, इन तीनों के आंसर जो है आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं कि ये इन तीनों शब्दों में कौन कौन से समास आते हैं हमारे, ठीक है, तभी पता चलेगा कि आपको तीनों क्लियर हुए या नहीं। ठीक है, इतना तो है ही है श्योर कि तीनों में से ही ये होंगे, ठीक है, जो मैंने तीन नहीं करवाए हैं उनमें से ये नहीं होंगे समास, ठीक है, इन तीनों में से ही ये समास होंगे, तो इनको पढ़ो अच्छे से, पहले तीनों को अच्छे से पढ़ो फिर उनका आंसर दो कि वो तीनों जो है वो कौन कौन से समास आएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की मेरी वीडियो, कल नेक्स्ट क्लास में जो हम इसके नेक्स्ट तीन भेद करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।